अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। सच न्यूज के बैनर अक्वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर चीनी ब्लॉगर ने दिखाई यूक्रेन की सच्चाई। अपने ही लोग बोले तुम गद्दार हो। जंग के वीडियो शेयर करने पर देशद्रोही का टैग मिल गया। चीनी ब्लॉगर वांग जिनसिंग के जो 36 साल के हैं, उन्होंने यूक्रेन की कुछ वीडियो शेयर की है। चीनी लोगों को रूस यूक्रेन युद्ध की सही तस्वीर दिखाई तो उन्हें देशद्रोही करार कर दिया गया। लेकिन इससे वांग निराश होने के बजाय खुश हैं। उन्हें लगता है कि वो इस जंग की सही तस्वीर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में रहने वाले वांग 4 साल पहले काम के सिलसिले में यूक्रेन के ओडिशा शहर में आए थे। तब ये यहीं से हैं। वो आईटी प्रोग्रामर है और उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध के चलते मुश्किलों में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे सच्चाई बताने के लिए उन्हें अपने ही लोगों ने देशद्रोही करार दे दिया, हालांकि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वांग ने बताया कि उन्होंने पहला वीडियो 24 फरवरी को डोयन चीनी ऐप पर अपलोड करा। इसमें उन्होंने लोगों को बताया कि खाने पीने की कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई हैं। इस दौरान इंडियन ऐप पर उन्हें चीनी लोगों के वीडियो मिले जो रूसी सैनिकों की प्रशंसा कर रहे थे। इस पर उन्हें गुस्सा आया क्योंकि वो वॉर की सही हालात जानते थे। ऐसे में उन्होंने ठाना कि अब वो वीडियो रिकॉर्ड कर सभी को सच्चाई के बारे में बताएंगे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो अपलोड किए और चीनी लोगों को युद्धग्रस्त यूक्रेन की झलक पेश की। उनकी ये पेशकश चीनी मीडिया से बिल्कुल अलग थी, जो कह रहे थे कि यूक्रेन सैनिक नाजी रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। वांग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने अपना चीनी पासपोर्ट पकड़ रखा और वो कह रहे हैं कि यूक्रेनी गार्ड नाजी नहीं है और वो आईटी प्रोग्रामर है, आम लोग हैं। उनकी पोस्ट पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। लोग उन्हें देशद्रोही बोल रहे हैं क्योंकि चीन ने अब भी रूस यूक्रेन युद्ध पर न्यूट्रल बयान दिया है। अगर बात करें वक्त के सितम की, तो अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री खालिद पायदा अब यूएस में कैब ड्राइवर हैं। पहले लाखों डॉलर वो संभाला करते थे, अब वो काफी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। खालिद मानेस थाई लेकिन अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। खालिद पायदा के जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है। पिछले साल अगस्त तक जो शख्स मुल्क के 6 अरब डॉलर का खजाना संभालता था, आज वो अमरीका में पेट भरने के लिए कैब ड्राइवर बन चुका है। मुल्क पर तालिबान का कब्जा हो गया, अमरीकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर चली गई। प्रेसिडेंट अशरफ गनी और उनके मंत्री अवाम को बेचारगी में छोड़कर विदेश चले गए। खालिद भी उनमें से एक हैं, लेकिन उनके हालात गनी की तरह नहीं हैं। वो अमेरिकी की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कैब चलाकर गुजारा कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट से बातचीत में खालिद कहते हैं कि अगले 2 दिन में मुझे 20 ट्रिप्स पूरी करनी है, इसके बदले में मुझे 95 डॉलर का बोनस मिलेगा। घर में बीवी और 4 बच्चे हैं, कुछ सेविंग्स थी उससे भी काम चल रहा है। मेरे मुल्क अफगानिस्तान में हालात बेहद बदतर हैं, महामारी तो थी, अब सूखा भी पड़ रहा है। दुनिया ने भी तमाम पाबंदियां लगा दी हैं, इकोनॉमी तबाह हो चुकी है और तालिबान ने औरतों की जिंदगी को बदतर कर दिया है। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का ठीकरा वहाँ की सरकार पर फोड़ दिया है। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान की सरकार को हर चीज मुहैया करी, हर मौका दिया ताकि वो अपने भविष्य बेहतर बनाए। खालिद ये भी कहते हैं कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा अफगानिस्तान में गुजरा है, अब मैं अमरीका में हूँ। सच कहूँ तो मैं अब कहीं का नहीं रहा, अपने मुल्क लौट नहीं सकता और यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। आज मुझे 4 डॉलर की टिप मिली। खालिद बताते हैं कि तालिबान के कब्जे के कुछ दिन पहले उन्होंने अफगानिस्तान के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके मुताबिक लेबनान की एक कंपनी का पेमेंट नहीं हो पाया था और इसी वजह से ये राष्ट्रपति गनी मुझसे नाराज थे। उन्होंने मुझे खूब खरी खोटी भी सुनाई। अब अगर बात रूस और यूक्रेन की करें, तो यूक्रेन पर हमले का आज 25वां दिन है। रूसी सेना ने 8 स्कूल पर बम बरसाए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तकरीबन 400 यूक्रेनी छिपे हुए थे, ज्यादातर मलबे में दब चुके हैं। रूस यूक्रेन की जंग का आज 25वां दिन है। रूसी सेना ने मारियोपोल शहर में 8 स्कूल पर बमबारी कर दी है। यहाँ लगभग 400 लोगों ने पनाह ले रखी थी। लोगों ने मलबे में दबे होने की आशंका है। इससे पहले यहाँ पर एक थिएटर पर भी बमबारी हुई थी, जहाँ पर कम से कम 1000 लोगों ने पनाह ले रखी थी। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग रोकने के लिए सीधी बातचीत करने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड की सरकार से भी रूसी अमीरों का पैसा जब्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय शहर में रहकर स्विस बैंक में पैसा रखने वाले रूसी अमीर वहां की सेना को यूक्रेन को तबाह करने के लिए पैसा दे रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वीडियो मैसेज भले ही मॉस्को से सीधी बातचीत की अपील की हो, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन से चीफ एडवाइजर ने दावा किया कि पुतिन फिलहाल ऐसी बातचीत के लिए तैयार नहीं है।
अर्दोगन के प्रवक्ता का भी भूमिका निभा रहे इब्राहिम कालिन ने कहा कि पुतिन का मानना है कि लीडर्स लेवल पर मीटिंग की पोजीशन फिलहाल नहीं आई है। रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल किनसोइल से हमला किया है। इस मिसाइल से एक फ्यूल स्टोरेज तबाह हो गया है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल से किया गया दूसरा हमला है। यूक्रेन के मारियोपोल में स्थित यूरोप के सबसे बड़े आयरन और स्टील वर्क्स को रूसी सेना ने तबाह कर दिया है। अमरीका यूक्रेन में नो फ्लाई जोन स्थापित नहीं करेगा, यह ऐलान पेंटागन ने किया है। हालांकि अमरीका ने रक्षा मंत्री लॉयड ऑनस्टिन ने कहा है कि रूस लगातार साउथ यूक्रेन में आगे बढ़ने के लिए क्रूर बर्बर टेक्निक्स का इस्तेमाल कर आम लोगों को निशाना बना रहा है। अब अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में धमाकों की खबर आ रही है। सियालकोट के आर्मी एरिया में एक के बाद एक ब्लास्ट हुए हैं। यहां पाकिस्तानी सेना का बड़ा बेस है। पाकिस्तानी सेना के सियालकोट सैन्य ठिकाने पर धमाके हुए। फिलहाल इससे कोई नुकसान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। मीडिया ने बताया कि धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। पाकिस्तान अखबार डेली मिलाप के एडिटर ऋषि सूरी ने ट्वीट करके कहा कि सियालकोट के मिलिट्री बेस में कई बार धमाके हुए। शुरुआती जांच से पता चला है कि ये एक वेपन स्टोरेज एरिया है। आग की लपटें हर तरफ दिखाई दे रही हैं। अभी तक घटना कारणों यानी कि वजह का पता नहीं चल पाया है। लोगों का कहना है कि घटना में अभी तक किसी की जान नहीं गई है। फिलहाल पाकिस्तानी सेना की तरफ से अभी इन धमाकों के बारे में कोई बयानबाजी नहीं हुई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।